मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर ऑफ क्लास 7. इन दिस वीडियो वी विल डू द हार्ड वर्ड्स ऑफ चैप्टर 3, द सिल्वर लाइनिंग्स, विच इज ऑन पेज नंबर 13. ओपन पेज नंबर 13. यस, फर्स्ट इज एक्सेस. टू एस्टिमेट द क्वालिटी और वर्थ ऑफ. एक्सेस का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की क्वालिटी या फिर वो कैसा है उसके बारे में नॉलेज लेना. हमड्रम, मोनोटोनस और डल. हमड्रम का मतलब क्या होता है? बेकार. डल मतलब थोड़ा पुराना सा. डिन, लाउड कंटिन्यूड डिस्कॉर्डेंट नॉइज. बहुत ही ज़्यादा तेज नॉइज, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिरदर्दी हो, मतलब परेशान वाली बहुत ज़्यादा लाउड नॉइस. क्यूजन का मतलब क्या होता है? किचन अरेंजमेंट से क्या मतलब है कि यहाँ स्पून है, यहाँ प्लेट्स हैं, यहाँ बाउल है, मतलब वो जो पूरा किचन का अरेंजमेंट कि कैसे क्या है सब. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 14. स्वार्थी का मतलब क्या होता है? स्वार्थी का मतलब होता है डार्क इन कलर. जो लोग डार्क होते हैं कलर में, डार्क होते हैं जो लोग, मतलब उन वो थोड़े काले से होते हैं. अनटेम्पर्ड, नॉट रीस्ट्रेट. अनटेम्पर्ड मतलब जो भी बिना परेशान के लोग. सेटी इट इज़ अ टाइप, इट्स मीनिंग ए सोफा. फ्रॉनिंग, एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसप्लेजर. एक एक्सप्रेशन जो बताता हो कि हम खुश नहीं हैं, वी आर अनहैप्पी. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. अप, पुट अप विथ. टू टॉलरेट विथ. टॉलरेट मतलब किसी चीज़ को बर्दाश्त करना. एंग्विश, एक्सट्रीम मेंटल डिस्ट्रेस और फिजिकल पेन. फिजिकल पेन मतलब ऊपर से जो कि हमें, जैसे हम फिजिकल हैं, मतलब फिजिकली हमें कहीं पेन हो रहा है, जैसे पैर में या सिर में, वैसे. ठीक है, ना. ह्यूमिलिएशन, लोअरिंग ऑफ द डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट. सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब आत्मसम्मान. ट्रेपिडेशन, अ फीलिंग ऑफ एप्रीहेंशन और फियर. वो कोई फीलिंग, डरावनी फीलिंग, दिस इज कॉल्ड ट्रेपिडेशन. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 16. इसमें है आपका प्रेफरेंस. प्रेफरेंस मतलब ग्रेटर लाइकिंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ को पसंद करना. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. डिंग्ड, इसका क्या मतलब है? थॉट फिट, किसी चीज़ को अच्छे से सोचना. रिक्लाइन, टू लीन बैकवर्ड्स. रिक्लाइन मतलब पीछे हट जाना, डर जाना, जैसे रिक्लाइन कर जाना. नाउ एम्बिगुअस मतलब ऑब्स्क्योर मतलब परेशान होना. इनकोहेरेंट मतलब नॉट ईजिली फॉलोड और अंडरस्टैंड, जो हम ईजिली समझ नहीं सकते या फिर किसी चीज़ को ईजिली फॉलो नहीं कर सकते, वो क्या कहते हैं? इनकोहेरेंट. ये तो थे आपके हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर. यू हैव टू राइट इट इन योर कॉपी नोटबुक, फेयर नोटबुक, एंड यू हैव टू डू द होल एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर इन योर फेयर कॉपी. थैंक यू क्लास, एंड हैव अ नाइस डे. गुड बाय.